बाहर जा रहे हैं ब्लॉग शूट करने के लिए, क्योंकि धूप निकल आई है आज। कल तो धूप नहीं थी, आज धूप निकल आई है, तो वहाँ चलते हैं और थोड़ा सा ब्लॉग वगैरह भी शूट करते हैं, आउटिंग भी हो जाएगी। मैंने ट्रैक सूट पहना हुआ है। अच्छा, ये ट्रैक सूट भी मुझे सन्ने ने गिफ्ट किया है भाई, ये भी आपको बता दूँ। उधर से आंखें दिखा रही है मुझे कि बता, रहने का ठीक है, आंखें नहीं दिखा। चलो ठीक है, चलते हैं। रात के कोई 10 बज रहे हैं और इस टाइम हम लोग आए हुए हैं, क्या कहते हैं, यार मुझे भूख लगी थी तो मैंने कहा कि चावल दोपहर को खाए थे, तो उससे आपको पता है, मैंने कहा सीजी खा लेते हैं, सीजी लेने आया हूँ यहाँ पे। मैंने कहा हाथ भी सेक लेते हैं और सीजी भी ले लेते हैं। ये हमारी सीजी रेडी हो रही है पीछे से। नसें जो है ना बिल्कुल परफेक्ट है, मैचिंग भी परफेक्ट हो गई है। काफ़ी दिनों के बाद मैंने पैंट शर्ट पहनी है और आई थिंक कराची वाला लुकिंग आ रही है। तो बस ठीक है, अभी चलता हूँ मैं दूध लेने। दोपहर के कोई 11:30 हो रहे हैं और हम इस टाइम दूध लेने जा रहे हैं। प्रूफ ये पड़ा है, प्रूफ ये पड़ा दाल का जी। तो बस अभी चलता हूँ, कैसा लग रहा है वैसे? बहुत अच्छा माशाल्लाह, ठीक लग रहा हूँ। चलो ठीक है, ओके। दूसरा ये है कि ना काफी लोग ये बोल रहे हैं कि अब आप जब वहां नहीं रहते तो अपने बेटे को अली को जो है ना ऐशा को दे दोगे या क्या होगा, वो उदास है सारा कुछ। वो ठीक है, जो भी है, मैं कुछ दिनों तक कराची चला जाऊंगा बच्चों के पास और इंशाल्लाह वो ठीक हो जाएगा और फिर देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। दूसरा ये है कि अली अपनी माँ के पास नहीं जाएगा, कभी भी नहीं जाएगा। वो मेरे पास है, मेरे पास था और मेरे पास रहेगा। वो अपने घर पे है, सुकून से है और पढ़ रहा है, उसका सारा कुछ अल्हम्दुलिल्लाह से सब कुछ ठीक है। तो वो कहीं भी नहीं जाएगा और उसके पास इंशाल्लाह मैं भी पहुंच जाऊंगा, तो सब इंशाल्लाह वक्ती तौर अभी कुछ जज्बात है सारा कुछ, फिर सब कुछ इंशाल्लाह आपकी दुआओं के सदके सब कुछ ठीक हो जाना है। तो जो लोग